और यहाँ पे ये डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं, ये तो है झूठा, ये तो है एंटी फौज, ये है एंटी पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। गवर्नमेंट का वजन इनको डिफाइन किया है चारों के चारों को, ये कहते हैं दो नंबर लोग हैं उन्होंने कहा है, ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये चार पांच बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है। मैं नहीं कह रहा शहरयार अफरीदी साहब ने कल कहा है, आप उनकी उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ये पूरी की पूरी लीडरशिप जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब एक और खड़े हो गए, आप मुकर जाएंगे, उन्होंने इनका नाम लिया है जनाब, जनाबे डेप्टी स्पीकर, इनका नाम लिया है उन्होंने असद कैसर का, उमर यूब का, गौर साहब का, सबका नाम लेकर कहा है कि ये दो नंबर लोग हैं जी। एजाज अखानी साहब आपका पॉइंट आया, उसके बाद लॉ मिनिस्टर ने बोलना है। रब की लानत, सफेद अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि सफेद बाल से मैं हया करता हूं। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है, ये मेरी इज्जत है, मेरे घर के मामले मैं जानूं। मैं एक चीज आपको डिप्टी स्पीकर साहब इनके थ्रू बताना चाह रहा हूं, अगर किसी की खाम ख्याली है कि पीटीआई को किसी तरीके से आप डैमेज कर सकते हैं, आप इतने डैमेज हो चुके हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, यू स्टैंड नोवेयर, यू आर नो मैच टू पीटीआई, एंड लास्ट यू आर नो मैच टू पीटीआई। और मिनिस्टर फॉर डिफेंस साहब सुने, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। चेयर के पाकिस्तान हारी भी सीट, रियाना डार मेरी माँ, रियाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम, अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते।